वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार मैं हूं यादवेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग चैनल पर जहां पर हम सुबह साढ़े आठ बजे पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो अफेयर जो है सब लोग करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए भाई कितने लोग प्रेजेंट है आज का जो है हाल बाहर का तो बहुत ज्यादा जो है वो ये कह सकते हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है फॉग बहुत ज्यादा है है ना और काफी विषम परिस्थितियों में जो है चलिए तो ऑडियो और वीडियो क्लियर करते हैं जरा फटाफट बट बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या आप लोग मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं जल्दी से बताइए दोस्तों क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं हाय निशांत आर यू कैसे हैं आप सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की सबसे पहले आ, कल का होमवर्क जो होमवर्क आपको दिया था आपसे पूछा था विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है डब्ल्यू एच ओ में कितने सदस्य हैं है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यू एच ओ में कितने सदस्य क्वेश्चन पूछा गया तो ये दो आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे आ, पहले देखते हैं तो वो सबसे पहले यहां पर वही रंजन कुमार जी ने जो है आंसर लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना सेवेंथ थी स्थापना कब हुई थी अप्रैल 1948 को डब्ल्यू की स्थापना हुई ठीक है फिर इसके बाद इसमें मेंबर कितने हैं तो 194 मेंबर्स हैं 194 मेंबर्स हैं क्लियर है तो ये जो 194 मेंबर्स है सदस्य है भाई हमारी रेगुलर जो है होमवर्क एक्सपर्ट सुमित्रा जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से जो है आंसर लिखा है अपना कि डब्ल्यू एच ओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस जो है कहां पर है जिनेवा है ना हेड ऑफिस कहां है जिनेवा में है ठीक है और मेंबर्स जो है वैसे तो 192 है लेकिन इसमें जो है कुक आइलैंड्स और न्यू ये दोनों जो है वो शामिल है तो इस तरह से टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 194 हो जाते हैं क्लियर है तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों तो वर्ल्ड ये जो है डब्ल्यू एच ओ की जो इंफॉर्मेशन है आप लोग नोट कीजिए नाइस इसी तरह से आप लोग होमवर्क करते रहिए आगे बढ़ते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट जो है वो है क्या है अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको बस अपने लक्ष्य की प्लानिंग करने की जरूरत है कि आप चाहते क्या है देखिए सिंपल सी बात है अगर किसी व्यक्ति के पास आज के जीवन में लक्ष्य नहीं है तो दूसरे लोग उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए साथ में ले लेते हैं लोग कई बार फोन आता है ना बेटा कि आज क्या कर रहे हो आपने बोला कुछ नहीं चले यार मेरे साथ घूम क्या अगर आपकी प्लानिंग खुद की है आपके खुद के लक्ष्य के नहीं मुझे काम करना है आज पढ़ाई करनी है मुझे इतना जो है वो अपना टारगेट फिनिश करना है अगर ऐसे लक्ष्य आपके होंगे तो दूसरा कभी कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर पाएगा और आप जो है अपनी प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ते रहेंगे तो इसलिए अपने काम के बारे में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए प्लान कीजिए और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कीजिए इसी संदेश के साथ चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले Uh, what was द इन्फ्लेशन रेट ऑफ रिटेल inflation इन दिसंबर इन इंडिया दिसंबर में दिसंबर 2023 में है ना दिसंबर 2023 में जो इन्फ्लेशन रिटेल inflation है वो कितना रहा महंगाई का आंकड़ा आ गया है दिसंबर 2023 की महंगाई दिसंबर 2023 में कितनी महंगाई रही 4.8, 5.02 5.5, 5.6 या 6 परसेंट। तो दोस्तों सही जवाब जो है वो है आपका 5.69 परसेंट पांच दशमलव छ नौ प्रतिशत फाइव परसेंट जो है ये दिसंबर 2023 की सीपीआई है ये सीपीआई मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं खुदरा महंगाई खुदरा महंगाई इसको एक और शब्द बोला जाता है उपभोक्ता महंगाई महंगाई ठीक है इसको एक और चीज बोला जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको एक और शब्द बोला जाता है सीपीआई को ही दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन तो ये सारे जो है शब्द वो इसी को डिनोट करते हैं चाहे वो रिटेल इन्फ्लेशन हो खुदरा महंगाई हो सीपीआई हो अच्छा सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो भी सेम है तो ये सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं जो कि 5.69 परसेंट है ठीक है अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए ये महंगाई जो है वो कितने महीनों के बाद बड़ी है या घटी है तो भैया ये जो महंगाई है ये पिछले चार माह में सबसे ज्यादा महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई ठीक है दोस्तों सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर में 5.02 था सितंबर में कितना था 5.02 परसेंट जो है वो महंगाई थी सितंबर 2023 में महंगाई अच्छा आपसे पिछले महीने की भी पूछा जा सकता है मतलब कि नवंबर का तो नवंबर की महंगाई जो है हम देखते हैं कितनी थी ये? मैंने सितंबर की बता दी क्योंकि चार महीने पहले की बात हो रही है तो नवंबर 2023 में कितनी महंगाई थी तो नवंबर का जो भाई रेट था वो था 5.5 परसेंट फाइव परसेंट तो पिछले महीने जो महंगाई थी सीपीआई वो थी 5.5 परसेंट अब 5.69 परसेंट बढ़ गई कारण क्या है इस महंगाई के बढ़ने का तो कारण जो है वो है आपका कारण है खाद्य पदार्थों की महंगाई है ना सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें जो है बहुत ज्यादा महंगी हुई इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है अब आपसे अगर कोई पूछे कि भैया महंगाई कौन कैलकुलेट करता है तो सीपीआई मतलब कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कैलकुलेट करता है करता है आपसे पूछा जाएगा हमारे यहां खुदरा महंगाई या उपभोक्ता महंगाई कौन कैलकुलेट करता है तो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कैलकुलेट करता है और दूसरी बात यह कि यह महंगाई कब निकाली जाती है तो हर महीने एवरी मंथ हर माह कैलकुलेट की जाती है क्लियर यह भी ध्यान रखेंगे आप हर माह कैलकुलेट की जाती है है ना मतलब यह कि दिसंबर की कितनी थी सेप्टेंबर कितनी थी जनवरी कितनी थी और यह जो है बिल्कुल, बिल्कुल 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 अलग अलग होता है सीपीआई अलग होता है डब्ल्यूपीआई अलग होता है अभी सीपीआई का डिटेल आया है आज हो सकता है कि डब्ल्यूपीआई का भी डिटेल आ जाएगा है ना दो तरह की महंगाई होती है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना सीपीआई जो है वो खुदरा महंगाई है खुदरा महंगाई है और डब्लू पी आई जो है वो क्या है थोक महंगाई ठीक है अब महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर भी जरूरी है मतलब ये कि हम आज के दामों को कब से कंपेयर करें तो दोस्तों ध्यान रखें आपसे कोई पूछेगा कि बेस ईयर क्या है महंगाई का तो सीपीआई का बेस ईयर मतलब आधार वर्ष अभी चल रहा है 2012 मतलब ये कि अगर अभी महंगाई 5.69 परसेंट है तो इसका मतलब वो 2012 की तुलना में पांच दशमलव नौ परसेंट ज्यादा है 2012 जो है ये आधार वर्ष है इसी के आधार पर महंगाई का गणना अभी कैलकुलेट जो है वो होता है दोस्तों ठीक है चलिए अब ये क्वेश्चन uh, हुआ हाउ मेनी वॉरशिप्स द इंडियन नेवी फॉर मरीटाइम सिक्योरिटी इन अरेबियन सी हाउ मेनी वॉरशिप्स कितने वॉरशिप्स हैं जो डिप्लॉय किए गए इंडियन नेवी के द्वारा अरेबियन सी में मतलब कि अरब सागर में तैनाती के लिए आपको पता है कि ये जो है ओमान है ठीक है ये यमन है ये सोमालिया है और ये जो है वो क्या है ये अदन की खाड़ी है ये क्या है अदन की खाड़ी अदन की खाड़ी क्लियर है अब भाई देखो यहां पर क्या होता था कि पहले यहां सोमालिया के जो गरीब मछुआरे हैं वो मछली पकड़ा करते थे क्लियर है उन्नीस सौ के आसपास और बढ़िया उनका चल रहा था है ना यहां पर पूरा ये बहुत बड़ा इलाका है इस अदन की खाड़ी में जो है वो पहले वो मछली पकड़ते थे है ना छोटी छोटी नाव से मछली पकड़ते थे अब लेकिन हुआ क्या कि विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रहले और बड़े बड़े जहाज जो है उनके आगे खड़े हो गए और उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है ना वो जो बड़े बड़े जहाज थे वो यहां पर आकर मछली पकड़ने लगे तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इनका नुकसान होने लगा मछुआरों का तो भैया सोमालिया के मछुआरों ने ये तय किया 1990 सौ नब्बे से ही उन्नीस से ही कि अब मछली नहीं पकड़ेंगे अब इन जहाजों को लूटेंगे तो अब क्या होता है कि यहां से इस रास्ते से बहुत सारे जहाज निकलते रहते हैं तो ये जो भी जहाज यहां से निकलते हैं उनको लूट लेते हैं कौन ये सोमालिया के जो है लुटेरे जिन्हें सॉरी है ना तो ये और दूसरी बात यह कि यमन में कुछ जो है हुती विद्रोही है वो भी आजकल जो है वो क्या कर रहे हैं जहाजों को हाईजैक कर रहे हैं पिछले दिनों जो है आईएनएस एन एस चेन्नई उन्हें छुड़ाने गया था वो भी आप जानते हैं क्लियर है तो अब भारत ने जो है कुल कितने अपने जहाज जो है वो यहां पर तैनात कर दिए भारत ने अपने बहुत सारे जहाज जो है वो यहां पर तैनात कर दिए तो कुल कितने जहाज तैनात किए हैं वो आपसे पूछा जा रहा है पहले तीन थे पहले तीन थे तैनात अब जो है और भेज दिए तो दोस्तों इसका सही जवाब है टोटल कितने दस दस जो है वॉरशिप तैनात किए किए है।, है ना भारतीय नौसेना ने कहां पर अदन की खाड़ी के आसपास तो इससे पूरा ये जो इलाका है ना ये पूरा निगरानी में रहेगा कि भैया यहां पर जो है कहीं कोई हाईजैक की घटना या कोई लूट की घटना जो है किसी जहाज के साथ तो नहीं हो रही है। ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जहाज था जिसका नाम था लीला नार्क नारफिक जहाज लीला नार्फिक लीला नार्फिक, लीला नार्फिक। लीला नार्फिक नाम का ये जो जहाज है इसको हाईजैक किया गया था अभी ठीक है और इसको किसने हाईजैक किया था तो इसको जो है यमन के हुती विद्रोहियों ने यमन के हुती विद्रोहियों ने जो है हाईजैक किया था है ना हाईजैक कर लिया था तो भारतीय सेना इंडियन नेवी उसे छुड़ाने गई थी और इंडियन नेवी जब छुड़ाने गई थी तो हमने कौन सा जहाज भेजा था तो भारत के आईएनएस चेन्नई ने जहाज समेत 21 लोगों को छुड़ाया को छुड़ाया क्लियर है कितने लोगों को छुड़ाया इक्कीस लोगों को छुड़ाया जिसमें पंद्रह जो है वो भारतीय थे क्लियर है तो ध्यान रखेंगे आप अच्छा अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है जहां इसराइल के खिलाफ मामला शुरू हो गया है इसराइल के खिलाफ भैया कोर्ट में केस शुरू हो गया है इसराइल के खिलाफ कोर्ट में केस शुरू हो गया भैया ठीक है तो ये इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो कहां है तो दोस्तों पहले तो आप ध्यान रखो जो इंटरनेशनल कोर्ट है या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो कहां पर है तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो आपका हेग में है नीदरलैंड हेग नीदरलैंड में जो है बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट है अच्छा ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है द हैग नीदरलैंड में है यहां पर साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका ने अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ इजराइल के खिलाफ केस किया आपसे पूछा जाएगा किस देश ने तो साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ केस किया है किया है ठीक है साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका ने जो है इसराइल पर काय का आरोप लगाया है तो जराइल पर आरोप जो है वो है नरसंहार का कि वो हमास में सॉरी जो गाजा में जो है लोगों का नरसंहार कर रहा है आरोप क्या है नरसंहार गाजा में ठीक है साउथ अफ्रीका ने केस किया है ना हालांकि इसराइल ने भी बोला है कि भैया सात अक्टूबर 2023 को हमारे यहां भी हमला हुआ था और बहुत लोगों की हत्या की गई हमास के द्वारा और हम हमास आतंकवादी संगठन को खत्म करना चाहते हैं है ना बाकी हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं है ठीक है अब जो भी फैसला आए अब इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में कुछ जान लीजिए जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो कहां पर है, है नीदरलैंड में है ठीक है और दोस्तों ये जो है इसमें पंद्रह जजेस की बेंच होती है पंद्रह जज की बेंच होती है बेंच होती है ठीक है इसके बाद हर जज जो है वो नौ साल के लिए नियुक्त होता है नौ साल के लिए नियुक्त होता है आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में जो जजेस का कार्यकाल होता है वो कितना होता है तो नौ साल के लिए नियुक्ति होती है ठीक है इस समय मुख्य जज कौन है चीफ जस्टिस कौन है इंटरनेशनल कोर्ट में में मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय तो इंटरनेशनल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इस समय है वो है जॉन डोनोग जॉन डोनोग अच्छा जॉन डोनोग जो है वो कहां के रहने वाले हैं तो जॉन डोनोग भाई सब जो है वो यूएसए के रहने वाले जॉन डोनोग कहां के रहने वाले यूएसए के रहने वाले हैं दोस्तों ध्यान रखेंगे आप ठीक है अच्छा क्या भारत से भी कोई जज है तो इन पंद्रह जजेज में से जस्टिस दलवीर भंडारी दलवीर भंडारी इज फ्रॉम इंडिया इंडिया भारत से हैं है ना ध्यान रखेंगे चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये सारी जानकारी इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में मैंने आपको दी है है ना ये इंटरनेशनल कोर्ट का एक पिक्चर जो है यहां पर लगा हुआ है और अभी फिलहाल इसराइल के खिलाफ केस चल रहा है यहां पर है ना हम पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ केसेस जो है जो कि झेलम नदी पर जो बांध किशन गंगा प्रोजेक्ट वगैरह के जो केस थे वो पाकिस्तान के खिलाफ हम जीत चुके थे झेलम नदी पर पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन था कि हम बांध क्यों बना रहे हैं झेलम नदी के पानी पर हमारा अधिकार है सिंधु जल समझौते के मुताबिक है ना तो जब पाकिस्तान ये कह रहा था कि आप बांध नहीं बना सकते तो पाकिस्तान का यह कहना था कि भारत बांध इसलिए बना रहा है कि कल को अगर कोई वॉर छिड़ा तो भारत जो है इस बांध, बांध का पानी खोल देगा और पाकिस्तान के जो है काफी सारे शहर जो है बह जाएंगे वो तो हथियार के तौर पर बांध का उपयोग कर रहा है लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और हमारे पक्ष में फैसला इसलिए सुनाया उन्होंने कहा कि भारत का ऐसा इतिहास रहा ही नहीं है कि भारत बिना मतलब में किसी पर हमला करे क्लियर है भारत एक शांति प्रिय देश है और किसी पर हमला करता ही नहीं है ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है क्लियर है तो भारत जो है अपने डेवलपमेंट के लिए अपने इलाके के विकास के लिए जो है ये आ, किशन गंगा प्रोजेक्ट पर बांध बना रहा है तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया गया था और हमारी जीत हुई थी इंटरनेशनल कोर्ट में है ना तो अब देखते हैं इसराइल के साथ क्या होता है वॉट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बिलोंगिंग टू द इंडियन एयरफोर्स वॉज रिसेंटली फाउंड द बे ऑफ बंगाल आफ्टर नियरली सेवन ईयर्स सात साल के बाद एक विमान का मलबा पाया गया बंगाल की खाड़ी में विमान का मलबा मिला विमान का मलबा मिला है मिला बंगाल की खाड़ी में तो वो कौन सा विमान है सात साल पहले ये विमान जो है लापता हो गया था क्लियर है तो कौन सा विमान है तो दोस्तों सही जवाब याद रख लो आप एन थर्टी टू ए एन थर्टी टू क्या है तो ये जो है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्लियर है अच्छा ये जो सी एन थर्टी टू है ये भारतीय सेना का था सेना का विमान था ये ठीक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था अच्छा फिर ये 2016 में लापता हुआ 2016 में लापता हुआ ठीक है इसमें 29 लोग सवार थे सवार थे ठीक है और अब जो है फिलहाल बंगाल की खाड़ी में खाड़ी में मलबा जो है वो मिला है मिला ठीक है ये आपको ध्यान रखना है है ना मलबा जो है कहां पर मिला बंगाल की खाड़ी में मिला ए एन थर्टी टू जो है ये विमान है 2016 में लापता हुआ था और अब जो है वो समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी में है ना तलहटी पर इसका मलबा जो है वो पाया गया है ठीक है दोस्तों चलिए अच्छा ये जो विमान है ये 2016 में कहां से कहां जा रहा था तो ये चेन्नई से चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था पोर्ट ब्लेयर बोले तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जा रहा था ठीक है पोर्ट ब्लेयर जा रहा था ये विच ट्रेवल कंपनी मेड द अनाउंसमेंट टू कैंसल मालदीव बुकिंग इन कौन सी कंपनी है जिसने कि मालदीव की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दिया अनिश्चित काल के लिए उसने कह दिया है कि नेशन फर्स्ट है ना बिजनेस बाद में तो उसने मालदीव के लिए बुकिंग ही कैंसिल कर दी तो कौन सी भारत की ट्रेवल कंपनी है जिसने लोगों के लिए जो ट्रेवल बुकिंग है वो कैंसिल कर दी है मालदीव के लिए तो दोस्तों सही जवाब इसका इज माई ट्रिप इज माई ट्रिप जो है इसने मालदीव के लिए बुकिंग जो है मालदीव की बुकिंग है ना अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिए रद्द करने की घोषणा की ठीक है कब तक करेंगे पता नहीं पर इसने कर दिया बाकी मालदीव का विवाद आपको पता ही है सीधा है ना कि मालदीव जो है वो भारतीयों को बाहर निकालना चाहता है मालदीव से जो भारतीय सैनिक वहां पर है है ना जो विमानों की रक्षा कर रहे हैं उनका देखरेख कर रहे हैं चाइना के साथ संबंध बढ़ा रहा है और चाइना द्वारा प्रायोजित प्रोपोगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है तो अब हम लोग मालदीव के कंपटीशन में अपना लक्षद्वीप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं ये सबको आपको पता ही है है ना मोहम्मद जो है वो राष्ट्रपति हैं ये भी हम जानते हैं मालदीव के विच कंट्री वर इन्वॉल्व इन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन रेबल कंट्रोल्ड एरियाज इन यमन यमन में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर सैन्य हमलों में कौन से देश शामिल हैं यमन में जो है हमला किया है मैंने बताया था ना अभी हाल ही में कि यमन में जो है हुती विद्रोही हैं कौन से हैं हूती विद्रोही जो कि बदला लेना चाहते थे किसका तो ये लोग बदला लेना चाहते थे इसराइल ने जो है हमास पर जो हमला किया गाजा पर जो हमला किया उसका बदला लेना चाहते तो हुती विद्रोही तो काफी समय से मिसाइल अटैक्स भी कर रहे हैं और हुती विद्रोहियों ने काफी सारे जहाज भी जो है यहां पर क्या किए यहां पर जहाज भी जो है वो हाईजेक कर लिए अब इसके बदले में कुल दो देशों ने जो है वो हमला किया है यमन पर सोलह ठिकानों पर साठ हमले किए हैं है ना सोलह ठिकानों पर हमले किए हैं सोलह ठिकाने तो कौन सा देश है उसमें यूएस चाइना यूएस रशिया यूएस फ्रांस यूएस ब्रिटेन या यूएस जर्मनी तो सही जवाब दोस्तों है वो है यूएस एंड ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन ये जो है मिलके दोनों ने हमला किया है है ना यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने कहां पर हमला किया है यमन पर है ना किसके खिलाफ हुती विद्रोहियों के खिलाफ है ना हुती विद्रोहियों से निपटने के लिए यह हमला किया गया है ना सोलह जगह पर हालांकि इस हमले के बाद से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है विपक्षी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका कहना है कि भाई आप जो ये हमला कर रहे हो आपने संसद से परमिशन क्यों नहीं ली और अब अमेरिका एक और युद्ध जो है वो नहीं झेल सकता नहीं बर्दाश्त कर सकता अगर आपने यमन पर हमला कर दिया तो हो सकता है ये लंबा चले और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है और एक युद्ध और जाने जाएंगी ऐसा वैसा ये सब जो है वो आ, कहा जा रहा है विपक्षी दल के द्वारा किसको जो बाइडेन को तो वो अपना विरोध जो है वो जता रहे तो आप ध्यान रखिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के हुती विद्रोहियों पर हमला किया हाउ मैनी कंट्रीज वर इन्वॉल्व या विल इन्वॉल्व विल विल बी इन्वॉल्व इन दी पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर 2024 शामिल होंगे कितने देश जो है जहां पर कि संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव होंगे 2024 में कितने देशों में चुनाव है 2024 में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के या संसदीय चुनाव जो है कितने देशों में यह इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर है तो दुनिया में कितने देशों में चुनाव है भाई सब कितने देशों में इलेक्शन है तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है सिक्सटी थ्री देशों में चुनाव है ठीक है जिसमें से भारत और पाकिस्तान तो है ही भारत में भी है पाकिस्तान में भी है और टोटल तिरसठ देशों में चुनाव है 2024 में पाकिस्तान में तो 8 फरवरी को है हमारी भी डेट आ जाएगी अभी को इलेक्शन है ठीक है तो इसीलिए 2024 को अभी तक का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर जो है वो बोला गया है चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट है अगला है विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ डील टू एक्वायर हंड्रेड परसेंट स्टेक इन कैपिटल फूड्स द कंपनी दैट सेल्स चिंग नूडल्स आपने ये एड देखा होगा बहुत जो है बहुचर्चित एड है चिंग नूडल्स का रणवीर सिंह करते हैं और चिंग नूडल्स को बनाती है कंपनी कैपिटल फूड्स कौन बनाती है कैपिटल फूड्स तो कैपिटल फूड्स का अधिग्रहण करने जा रही है कौन सी कंपनी नेस्ले आईटीसी पतंजलि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या हिंदुस्तान यूनिलिवर कौन सी कंपनी है जो कि अधिग्रहण करने जा रही है जल्दी से बता दीजिए फटाफट राइट आंसर इज सही जवाब है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो कैपिटल फूड्स का क्या कर रही है अधिग्रहण कर रही है एक्विजिशन कर रही है अच्छा इसमें डील भी हो गई है तो जो डील है वो कितने में हुई है तो डील हुई है पांच हजार एक सौ करोड़ रुपए पांच हजार एक सौ करोड़ रुपए में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कैपिटल फूड्स को खरीदने जा रही है है ना जो कि फेमस उनका जो ब्रांड है चिंग नूडल जो प्रोडक्ट है उसको बनाती है ठीक है चलिए तो ये पांच डील कितने में हुई है पांच हजार एक सौ करोड़ रुपए में ये डील जो है वो साइन हुई है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन है ना के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अनुमानित मूल्य क्या है मतलब कितने कीमत के एमओयू साइन किए गए वाइब्रेंट गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात में कितने मूल्य के एमओयू साइन किए गए वाइब्रेंट गुजरात में कितने मूल्य के एमओयू साइन किए गए और सही जवाब दोस्तों है वो है आपका ट्वेंटी थ्री लाख करोड़ तेईस लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में वाइब्रेंट गुजरात जो है इस बार कौन से नंबर का था दसवा ठीक है फिर इसके बाद कहां आयोजित किया गया तो गांधीनगर में आयोजित किया गया ठीक है कब होता है तो हर दो वर्ष में आयोजित होता है कितने वर्ष पूरे हुए बीस वर्ष पूरे हुए बीस वर्ष पूर्ण किसने शुरू किया था तो सबसे पहले पीएम मोदी ने शुरू किया था पीएम मोदी ने शुरुआत की थी की थी कितने रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ इस अवसर पर बीस रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ बीस रुपए के सिक्के पर क्या लिखा था ठीक है क्या लिखा हुआ इस पर तो इस पर लिखा हुआ है विकसित भारत की ओर अग्रसर गुजरात ठीक है विकसित भारत की ओर अग्रसर गुजरात ऐसा उस सिक्के पर लिखा गया ठीक है दोस्तों अच्छा एक और बात यह कि जो ग्रीन इनमें से यह जो तेईस लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें से ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए कितना तो भैया ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्यारह लाख करोड़ ग्यारह लाख ,00 करोड़ क्लियर है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्यारह लाख ,00 करोड़ रुपए का जो है बेसिकली यहां पर निवेश किया गया तो ये भी आप याद रखेंगे है ना हाउ मेनी ईटीएफ इंक्लूडिंग बिटकॉइन रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑन जनवरी टेन हाल ही में ये जो है रेगुलेटर है यूएस का सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ये क्या है रेगुलेटर है वहां पर नियामक है ये शेयर मार्केट का तो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कितने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ईटीएफ को मंजूरी दी है तो सही जवाब जो है वो है इलेवन है ना ग्यारह ईटीएफ को मंजूरी दी गई है इसमें से एक जो है बिटकॉइन का भी है बिटकॉइन का भी जो है ठीक है ये भी आप ध्यान रखें जैसे बिटकॉइन की शुरुआत आपसे पूछी जाए ना तो शुरुआत जो है वो कब हुई थी वो आपको बताना पड़ेगा अभी ठीक है तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्लियर है तो कितने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी दी गई ग्यारह अब आपसे पूछेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो भैया ये तो आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ये फुल फॉर्म है और ये रेगुलेटर है अमेरिका में शेयर मार्केट का तो उसने 11 या 11 जो है ETF को मंजूरी दी बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी टू ऑफिशिएट इन द ए एफ सी एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट ए एफ सी एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एंपायरिंग करने वाली पहली महिला रेफरी कौन बनेंगी पहली महिला रेफरी कौन बनेंगी जल्दी से बता दीजिए पहली महिला रेफरी कौन बनेगी जल्दी से बताइए तो सही जवाब है योशिमी यामाशिता योशिनी यामाशिता जो है वो क्या बनी तो पहली महिला बनी पहली महिला एएफसी में एएफसी एशियाई कप जो है उसमें अंपायरिंग करने वाली अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई नाम है योशिमी यामाशिता और ये कहां की है भैया तो जापान की है ठीक है अच्छा इन्होंने इससे पहले कतर फीफा 2022 में भी अंपायरिंग की है मैं अंपायरिंग करने वाली करने वाली वाली पहली महिला ठीक है योशिमा यामाशिता जो है वो कतर के फीफा वर्ल्ड कप में भी एंपायरिंग करने वाली पहली महिला थी और ये जो है बेसिकली और साथ में ही अब ये एशियन एफसी फुटबॉल कप जो है ये एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है कब से शुरू हो गया तो यह जो है एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन का जो कप है यह 12 जनवरी से शुरू हो गया 12 जनवरी से कतर में शुरू कतर में शुरू ठीक है 12 जनवरी से कतर में शुरू हो गया और इसमें एंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी अपनी योशिमी यामाशिता चलिए दोस्तों एक बार जो है वो नजर डाल लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया तो सबसे पहले दिसंबर की जो महंगाई है खुदरा महंगाई जो है वो 5.69 परसेंट हो गई है जो कि चार महीनों का सबसे ज्यादा महंगाई है फिर इसके बाद भारत ने अदन की खाड़ी में अपने यहां से दस जो है वो वॉरशिप्स भेजे हैं ताकि वहां पर समुद्री लिटोरों से जहाजों की रक्षा की जा सके फिर इसके बाद के खिलाफ इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जिसका हेड ऑफिस हैग नीदरलैंड में है। तो हैग नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ केस कर दिया है क्लियर है इंटरनेशनल कोर्ट जिसमें कि पंद्रह जज होते हैं नौ साल के लिए अपॉइंट होते हैं दलवीर भंडारी जो है वो इंडिया से है फिर इसके बाद दोस्तों हाल ही में एक जहाज का मलबा जो है वो मिला है बे ऑफ बंगाल में है उस जहाज का नाम था ए एन थर्टी टू यह जहाज चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था कहां जा रहा था चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था ये जहाज भारतीय सेना का विमान है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था 2016 में लापता हुआ है ना 29 लोग सवार थे और अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में इसका मलबा मिला है नाम बस आपको याद रखना है ट्रांसपोर्ट इसका व्हीकल का और वो है आपका या विमान एयरक्राफ्ट का तो वो है आपका ए एन थर्टी टू कौन सी ट्रेवल कंपनी है जिसने हाल ही में मालदीव की बुकिंग लेना बंद कर दिया मालदीव की बुकिंग वो 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 नहीं ले रहा है 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 कौन सी कंपनी तो दोस्तों इसका सही जवाब ईज है, ईज है माय माय ट्रिप ट्रिप जो है, वो अब मालदीव की बुकिंग नहीं ले रहा है वो लक्षदीप को प्रमोट कर रहा है क्लियर है उसने कहा नेशन फर्स्ट तो ये बहुत अच्छी बात है ऐसा स्टेप लिया गया है देश के लिए वो ईज माय ट्रिप ने लिया मालदीव की बुकिंग करना बंद कर दी फिर इसके बाद हुती विद्रोह विद्रोहियों के समुद्री जहाजों पर जो अटैक है वो बढ़ते जा रहे थे सो उसको उससे निपटने के लिए यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ हमला बोला किसने तो हमला बोला दो देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन है ना सोलह जगह पर जो है हमले किए करीब साठ हमले किए हैं और इसके खिलाफ जो है वो राष्ट्रपति जो बाइडेन को विपक्ष की जो है वो विरोध भी सहना पड़ रहा है क्योंकि संसद में इसकी मंजूरी नहीं ली गई और डायरेक्ट जो है वो यमन के हुती विद्रोहियों पर अटैक किया आपसे पूछा जाएगा जो हुती विद्रोही है ये जो हैं है ना जो हुती रेबल्स हैं ये कहां के हैं तो आप बता दो यमन के हैं ये। फिर उसके बाद 2024 को इलेक्शन ईयर क्यों बोला गया या ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट इलेक्शन ईयर क्यों बोला गया तो 2024 को इलेक्शन ईयर इसलिए बोला गया क्योंकि त्रेसठ सिक्सटी टोटल जो है चुनाव 63 देशों में जो है तिरसठ देशों में जो है वो चुनाव होने वाले हैं 2024 में इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर है आप मान के चलें कि पूरे 2024 में आपको तिरसठ देशों के जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम अपडेट करने पड़ेंगे अगर वही रहेंगे तो अनचेंज रहेंगे और अगर चेंज हो गए तो उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे तिरसठ देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बदलने वाले हैं या उनकी पुनः नियुक्ति होने वाली है है ना क्योंकि चुनाव है तो आप तैयार रहिए भैया फिर इसके बाद क्या है विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ डील टू एक्वायर कैपिटल फूड्स कैपिटल फूड्स को कौन एक्वायर कर रहा है है ना चिंग नूडल्स बनाने वाली कंपनी कैपिटल फूड उसको एक्वायर कर रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ये डील कितने में फाइनल हो है पांच हजार एक सौ रुपए में फाइनल हो गई है आप याद रख लीजिए वाइब्रेंट गुजरात समिट में तेईस लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए जिसमें से ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए कुल ग्यारह लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए कितने हुए ग्यारह लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं है बीस रुपए का सिक्का जारी किया गया उस सिक्के पर लिखा हुआ विकसित भारत की ओर अग्रसर गुजरात है ना पीएम मोदी ने सबसे पहले 2003 में इसकी शुरुआत की थी वाइब्रेंट गुजरात की है ना इस बार का जो आयोजन है ये दसवा आयोजन है है ना गांधीनगर में आयोजित किया गया हर दो वर्ष में आयोजित होता है और बीस वर्ष इस साल वाइब्रेंट गुजरात को पूरे हो चुके हैं ठीक है फिर इसके बाद ईटीएफ बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है वो जुटाने के लिए बेसिकली यूएस के जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने मंजूरी दी है दस जनवरी को तो कितने ईटीएफ को मंजूरी दी है तो ग्यारह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने मंजूरी दी है और जो बिटकॉइन का ईटीएफ है बोला जा रहा है बिटकॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ईटीएफ बिटकॉइन जो ईटीएफ बिटकॉइन शुरू किया गया उसने पहले ही दिन जो वैल्यू हासिल कर ली वो बत्तीस करोड़ पर जो है वो पहुंच गया उसका कारोबार तो इससे सीधा सीधा ये मतलब निकल के आ रहा है कि ये जो मंजूरी दी गई है इससे बिटकॉइन को जो है बिटकॉइन की स्वीकारोक्ति ज्यादा बढ़ेगी बिटकॉइन का एडप्शन जो है वो ज्यादा बढ़ेगा है ना जैसे हमारे यहां सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है वैसे ही अमेरिका में यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है तो उसने कितने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब जो कि स्टॉक एक्सचेंज में फंड ट्रेड किए जाते हैं तो कितने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी दी तो ग्यारह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी दी अच्छा फिर योशिमी यामाशिता योशिमी यामाशिता जो है वो एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं और ये कतर फीफा वर्ल्ड कप में एंपायरिंग करने वाली भी पहली महिला थी तो इनका नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए ठीक है दोस्तों आज आपको बताना है कि बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया और कब किया है ना किसने और कब बिटकॉइन का आविष्कार किया वो आपको बताना है और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आप जानते हैं वो सब आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है क्लियर है दोस्तों तो आज के लिए फिलहाल इतना ही मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू एवरीवन जय हिंद जय भारत